So today we'll do select special. We had done paste special in the last class. Basically select special is what हमें अगर कुछ particular cells को select करना होता है, like we have a huge amount of data with our cells and उसमें से हमें only a particular cells select करने हैं, तो उसके लिए हम लोग obviously it's very cumbersome कि हम लोग manually हर एक cell select करें. So what we do instead is that we use select special. So it's very simple. Try करते हैं. If this is my data set for example, तो यहाँ पे we can see that there are three blank cells. Now this is a very small data set with our cells. जब हमारे पास बहुत बड़ा table and बड़ा data होता है, उसमें से particular cells select करना obviously difficult हो जाते हैं. यहाँ पे suppose मुझे ये blank cells select करने हैं, तो I can simply click on this cell. I can click enter and enter press करते हुए I can left click on these two cells and इससे क्या होगा, मेरा ये तीनों cells select हो जाएगा. But this is obviously very easy when we are dealing with small amount of data. अब हम लोग कैसे करें कि ये तीनों cells select हो जाए using one feature, that is select special. तो सबसे first step होता है to select the entire table. हम लोग दो तरीके से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं. आई कैन टेक माई कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ दिस टेबल एंड देन आई कैन जस्ट क्लिक कंट्रोल ए, एंड कंट्रोल ए क्लिक करने से ये पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा. नाउ इन दिस टेबल आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दीज ब्लैंक सेल्स. इसके लिए आई विल हैव टू क्लिक F5. तो हम F5 प्रेस करेंगे. F5 प्रेस करते ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. इस डायलॉग बॉक्स में आई विल क्लिक स्पेशल. तो स्पेशल क्लिक करते नाउ दिस इज माय डायलॉग बॉक्स इन विच आई कैन सिलेक्ट द सेल्स. आई कैन सिलेक्ट द टॉपिक्स जो मेरे को सिलेक्ट करने अपने पर्टिकुलर टेबल में. आई कैन टिक दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. अब सपोज मुझे कमेंट्स सिलेक्ट करने या फिर फॉर्मूला कॉपी कर सिलेक्ट करने या फिर ब्लैंक्स सेल्स सिलेक्ट करने. सो इट डिपेंड्स मुझे क्या चीज़ सिलेक्ट करने, लास्ट सेल सिलेक्ट करने, यानी कि ये वाला सेल इज़ द लास्ट सेल. सो दिस इज़ हाउ आई कैन सिलेक्ट वॉट एवर आई वॉन्ट टू. नाउ सपोज इस केस में वी वॉन्ट टू सिलेक्ट द ब्लैंक सेल्स. आई विल सिंपली क्लिक ऑन ब्लैंक्स एंड आई क्लिक ओके. एंड देखो इससे क्या होगा, इससे मेरा तीनों सेल्स सिलेक्ट हो गया. सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ सिलेक्ट स्पेशल. नाउ वन मोर थिंग, सपोज आई वॉन्ट टू पेस्ट दिस NA. I want to paste this NA in these three particular cells. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगेन सबसे पहले तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे. NA को कॉपी किया. NA को कॉपी कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल सी से. फिर हम अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से. F5 क्लिक करेंगे, स्पेशल में जाएंगे एंड यहाँ पे हम ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके करेंगे. तो देखो ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट हो गया. अब सिंपली हमें पेस्ट करना है. पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी. तो हम टाइप करेंगे कंट्रोल वी एंड देखो मेरा NA सब जगह पेस्ट हो गया. नाउ इसको हम लोग हटाने के लिए वील प्रेस एस्केप. एस्केप बटन प्रेस करेंगे एंड देखो वी गेट 3 NAs जहाँ पे भी ब्लैंक सेल्स हमारा था. सो दिस इज हाउ आई कैन सिलेक्ट स्पेशल इन अ लार्ज टेबल, इन अ लार्ज डेटा सेट वेर आई वॉन्ट टू मे बी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स.